हेलो दोस्तों, नमस्ते। आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ, उसका नाम है दही बड़े। इसके लिए हमने आधा बाउल उड़द की दाल लिया है, आधा बाउल हमने मूंग की दाल धुली हुई ली है, आधा बाउल हमने दही लिया है और ये इमली का मीठा इमली की चटनी है। मसालों में हमने नमक लिया है, भुना हुआ जीरा लिया है और लाल मिर्च पाउडर लिया है और ये हींग लिया है। अभी जो उड़द और मूंग की दाल ली थी वो 5 घंटे पहले हमने अच्छे से वॉश कर लिया 2-3 पानी से और धो के हमने भिगो दिया था। अब ये भीग के तैयार हो गई है। अब हम इसको मिक्सी जार में डाल देंगे और इसको बारीक पीसेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच पानी डालेंगे। एक चम्मच पानी डालने से ये मिक्सी में अच्छी तरह से बन जाएगी। ये देखिए, अब हमारा पिस चुका है। बस ये ध्यान रखें कि यदि वो पिसेगा नहीं तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं हम। अब मैं इसको बाउल में ले लूँगी। अब ये देखिए, मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम हींग डाल देंगे इसमें। अब इसको बराबर मैश करेंगे, कम से कम 4 मिनट तक इसको मैश करेंगे। इसको कम से कम 2 मिनट तक हम चलाएंगे। ये क्या है, जितने हम चलाएंगे ना उतना ही दही बड़े हमारे सॉफ्ट होंगे, इसलिए हम 2-3 मिनट अब चलाएंगे। तो अब हमारा मिक्स हो चुका है, 2 मिनट हो गए हैं हमारे। अब ये देखिए, फूल भी गया है, कितना अच्छा हमारा दो बन गया। अब हम इसको अलग से रख देंगे। अब इसमें जो दही बड़े हम बनाएंगे उसके बाद में जो डालेंगे इसके लिए हम पानी इसमें डाल देंगे। से हमारे दही बड़े डूब जाएंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे। थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग डालने से क्या है, टेस्ट अच्छा हो जाता है। और नमक इसलिए डालेंगे क्योंकि जैसे दही बड़े इसमें डालेंगे तो दही बड़े में नमक आ जाता है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। इसको एक तरफ रख देंगे। अब जो हमने दही लिया है उसको हम मैश कर लेंगे। अब दही को यदि मैश नहीं करेंगे तो ये फटाफटा सा लगेगा और दही बड़े में अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, हमारे मैश हो चुके हैं। अब हमने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें दही बड़े डालेंगे। इस तरह से गोल कर करके इस तरह से डालेंगे। इस तरह हाथ में लेंगे और फिर इसको इस तरह करके ऐसे डालेंगे। ये दही बड़े खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और वैसे भी गर्मी आ रही है, गर्मी में तो वैसे भी दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं।
ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा इसका, ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे थोड़ा। और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको बुड्ढे लोग भी खा सकते हैं आराम से, बच्चे भी खा सकते हैं और आप भी खा सकते हैं। ये गैस हम शुरू में तो फुल ही रखेंगे, जब हम दही बड़े डालेंगे तब फुल रखेंगे, उसके बाद हम मीडियम कर देंगे। अब देखिए दही बड़े सीख चुके हैं, अब हम इसको नीचे प्लेट में डाल देंगे। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन गए। आप देखिए ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने हैं। अब ये जो हमने नमक और हींग का पानी बनाया है उसमें हम ये दही बड़े डाल देंगे। अब इसमें क्या है, नमक मिल जाएगा, कम से कम 5 मिनट रखेंगे और उसमें ये नमक मिल जाएगा। जब तक वो बड़े तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग ये नमक मिर्ची मसाला दही में डाल देंगे। मिर्च अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं, नमक भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और ये थोड़ा जीरा भुना हुआ डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। अब ये दही बड़े के लिए दही तैयार हो गया। अब ये बड़े जो बने हुए हैं उसको हम हाथ में ले लेंगे, उसको थोड़ा पानी से निचोड़ देंगे और इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से हम 2-3 बार पानी निकाल के उस बाउल में डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर दही डालेंगे, चारों तरफ से दही मिला लेंगे। इसके ऊपर जो हमने चटनी बनाई थी इमली की वो हम डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल देंगे। अब हमारे दही बड़े खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।